नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा के लघु सचिवालय में और यहाँ पे मैं आपको इस तरफ कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं और कुछ उनके अभिभावक हैं और कुछ जो है वो टीचर्स हैं। टीचर्स कहाँ के हैं वो पीछे मैं आपको बैनर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो हेलन केलर स्टाफ व अभिभावक संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना जो है वो सिरसा में चल रहा है। अब हेलन केलर क्या है कि ये जो अंध महाविद्यालय, अंध स्कूल जिसको कह सकते हैं, जो कि ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनको जो है वो शिक्षा देने का ये हेलन केलर एक माध्यम, एक इंस्टीट्यूशन है। तो वो उस इंस्टीट्यूट के जो तमाम अभिभावक हैं, बच्चों के अभिभावक हैं और स्टाफ के सदस्य हैं, वो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं, पिछले एक सप्ताह से लगातार, आज आठवां दिन हो चुका है, तो इनसे जानते हैं। अभी अभी उपायुक्त महोदय से बातचीत करके आए हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इस एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद है, आजाद जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, अभी उपायुक्त महोदय से मिलकर आए हैं आप सिरसा में, क्या आश्वासन आपको दिया गया, क्या मुख्य मांगे आपकी है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हरियाणा का जो इस तरीके का ब्लाइंड इंस्टीट्यूट और दृष्टिबाधित बच्चों की न्यूज़ को कवरेज करता है। अब मैं बता दूँ, मैं कुलदीप आज़ाद हूँ और सामर्थ्य इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल से प्रदेशाध्यक्ष हूँ। यहाँ काफ़ी दिनों से ये हमारा अनिश्चितकाल हड़ताल चल रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये सारी मांगें मान नहीं ली जाएंगी। मांगों के बारे में बात करूँ तो सबसे पहली हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण मांग ये है कि जो हेलन केलर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है उसको तुरंत प्रभाव से जिला प्रशासन के अंतर्गत चलाया जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जिला प्रशासन, इसके हेलन केलर के लिए जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगी उसके बाद, उसमें कम 3 दृष्टिबाधित लोग शामिल किए जाने चाहिए सिरसा से या किसी अन्य स्थान से, ताकि वो कहते हैं ना कि जिसको लगती है वही जानता है, चोट जिसको लगती है वही दर्द को समझता है। क्योंकि यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें कोई भी ब्लाइंड नहीं है। तो सबसे बड़ी दूसरी मांग, बड़ी मांग ये रहेगी। तीसरा बड़ी बात यह है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, वो बच्चों के लिए विद्यालयों के अंदर ही खाना बनवाया जाता, पोषक बहुत ही न्यूट्राइज भोजन होता है, लेकिन विडंबना ये बात है कि यहाँ के बच्चों के लिए सिविल हॉस्पिटल से खाना मंगवाया जाता है और वो यहाँ के बच्चों को वितरित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिव्यांग है, क्योंकि ये दृष्टिबाधित है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ से जो हटाए गए हैं, जिसमें पवन कुमार शर्मा जी हैं, जिसमें तुषार जी हैं, जिसमें हमारे इस ब्लाइंड इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं श्री राजेश कुमार जी, इनकी आगे 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 क्या तनख्वाह बढ़ती होती है, लेकिन इन्होंने क्या है कि तनख्वाह कम कर रही हैं। और खुद मैनेजमेंट कमेटी भी जो अभी चल रही है, जिसमें रमता सोनी है प्रेजिडेंट हैं और संजीव जैन हैं जो सेक्रेटरी, हाँ, तो कैशियर हैं, तो कैशियर अभी वो खुद लिख रहे हैं, पीछे भी उन्होंने 2017 में भी लिखा है कि हम लोग चलाने में असमर्थ हैं। तो अभी हम डीसी साहब से मिले थे, उपायुक्त महोदय, उन्होंने जिला सिरसा के प्रभारी हुए हैं, बाहर को संभाला है। शुभकामनाओं के साथ हमने ये सारी मांगें उनके सामने रखी है और उन्होंने बहुत ही संतोषजनक उत्तर दिया है। क्या दिया है कि तुरंत इसकी एडी साहब को ऑर्डर किया कि इसकी सारी फाइल्स मंगवाया जाए, क्योंकि मैं अभी नया हूं और मामला मैं समझ नहीं पाया हूं, मामले को समझते हुए सारी ये चीज़ें की जाएंगी। दूसरा ये है कि कल डी ग्रुप के हमारे इसी ब्लाइंड इंस्टीट्यूट हेलन केलर से पढ़े हुए बच्चे डी ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है 5-6 बच्चों का। पिछले जो डीसी साहब थे पार्थ गुप्ता जी, उन्होंने भी ये चीज़ें दी कि 8वीं के बाद जो बच्चा पढ़ता है सिरसा से संबंधित है तो उनको यहाँ हॉस्टल की सुविधा प्रोवाइड करवा रखी थी, बट ये रमता सोनी या जो मैनेजमेंट कमेटी चलाती है ये इनको निकालने पर उतारू रहती है। तो मेरा सबसे बड़ी बात ये कि तुरंत जो हेलन केलर की जो मैनेजमेंट कमेटी है तुरंत भंग किया जाए। और इतना हम भी जानते हैं कि डी साहब आए हैं तो डेफिनेटली वो 2 दिन में, 1 दिन में, जैसे डी साहब इस सारी मामले के फाइलें इकट्ठी करके इसको अपने संज्ञान में लेकर के जल्दी इसका निपटारा करवाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर, क्या कुछ लगता है डी साहब ने जो आश्वासन दिया है वो पॉजिटिव वे की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हमें जिला प्रशासन पर पूर्ण रूप से विश्वास है और आपके चैनल का भी इस माध्यम से मैं उन बातों से अवगत कराना चाहता हूँ कि जिला उपायुक्त महोदय ने हमारी बातों को, दिव्यांगों के अधिकारों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। ADC को जाँच सौंप दी गई है और हमने उस पर विश्वास है कि हमारी मांगें जल्दी पूर्ण होगी। हमारे जिन बच्चों नाम काटे गए हैं उनके जल्दी एडमिशन होंगे, उनके एग्ज़ाम होंगे और हम ये
शासन प्रशासन तक और बात पूछाना चाहते हैं। एग्जाम का टाइम है, जल्दी से जल्दी इनके एग्जाम लिए जाएं और इन बच्चों का भविष्य को सुचारू रूप से शिक्षा चलती रहे। और आपके माध्यम से मैं दो बात और इस चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन तक कहना चाहता हूँ कि रमता सोनी जी ने मेरे ऊपर दो आरोप लगाए हैं कि हमारा विद्यालय 8वीं तक है, 8वीं के बाद मेरे ऊपर आरोप जड़े हैं कि ये बच्चों को जो रखता अपनी मनमर्जी से रखता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि 8वीं के बाद शिक्षा दी जाए। लेकिन मैंने कहा कि हम अपनी मर्जी से नहीं रखते, हम जिला प्रशासन के कानूनों को मानते हैं। ये देखो जी, ये माँ बाप ने लिखा है लेटर डीसी साहब को 2018 में, हमारे बच्चे ने 8वीं पास कर ली है मैरिट में, लेकिन हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित है। डीसी साहब पार्थ गुप्ता जी होते, तत्कालीन उपायुक्त महोदय जी जो आजकल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है, उन्होंने तुरंत प्रभाव से मेरे को बुलाया और रिटर्न में उनके एडमिशन कराई। एडमिशन की फोटोकॉपी आप देख लीजिए। और उसके बाद देखो जी, उसके बाद तुरंत हॉस्टल की सुविधा जारी करने के आदेश दिए 8वीं के बाद। और उन्हीं को मैं तहे दिल से आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं जी। आपने जो इनको आदेश दिए हैं शिक्षा के, उनके कारण शेर सिंह कल हमारा बच्चा एक हिसार के अंदर ज्वाइनिंग किया है, उसके पिताजी भी नहीं है, उसका घर का मकान भी नहीं है। मैं तो इस सरकार को भी वंदना करता हूं कि ऐसे ऐसे गरीब परिवार को रोजगार मिल रहा है और इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि बच्चों को न्याय मिले जी। धन्यवाद जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। प्रिंसिपल सर से बातचीत करते हैं, सर क्या समस्याएं आ रही है ज़्यादातर? क्या है कि हमने समस्या को पहले भी अवगत कराया है, तो उपायुक्त महोदय ने हमारी बात को शालीनता से सुना है और जल्दी हमारी समस्या को समाधान कर देंगे। मतलब कि आपको लगता है कि समाधान हो? बिल्कुल समाधान होगा जी, ठीक है, हमारी मांग बिल्कुल जायज है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि उपायुक्त महोदय ने जो है वो इनको जो आश्वासन दिया है, उस आश्वासन से काफी संतुष्ट जो है वो ये तमाम धरनारत लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। खैर, आने वाले समय में ये आश्वासन कितना कारगर साबित होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर बात करें तो जिला प्रशासन को जो है वो इन तमाम बच्चों की ओर ध्यान देते हुए इसको जो है जो भी इनकी मांगे हैं उनको जो है वो मान लेना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही अगर बात करें तो भगवान ने इनके साथ ना इंसाफी कर रखी है। कम से कम इंसान और जो जिला प्रशासन है वो तो कम से कम इनके साथ इंसाफ करते हुए इनको जो है वो सही दिशा की ओर अग्रसर करने का कदम उठा ले। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।